और महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में तनाव बना हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद वहां बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। कल बड़ी संख्या में अवैध निर्माण को महानगर पालिका के बुलडोजर ने तोड़ दिया था, जो कि मीरा रोड हिंसा मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों की ओर से बनाए गए थे। हैदर चौक के नजदीक ये कार्रवाई हुई थी और वहां पर जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसे धराशायी कर दिया गया था। महाराष्ट्र के मीरा रोड के पास ये बुलडोजर कार्रवाई हुई और ये शिंदे सरकार की ओर से दरअसल सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से उपद्रवी को धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले को, मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से रविवार रात की बात करें, जो राम नाम के झंडे लगी गाड़ियों पर अटैक किया गया, उसके बाद सोमवार की शाम को शोभा यात्रा के दौरान खलल डालने की कोशिश की गई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है शिंदे सरकार की ओर से। शिंदे सरकार इस पर सख्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में तनाव बना हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। कल बड़ी संख्या में अवैध निर्माण को महानगर पालिका के बुलडोजर ने तोड़ दिया था, जो कि मीरा रोड हिंसा मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों की ओर से बनाए गए थे। इक्कीस जनवरी को जिस तरह से विवाद हुआ था और राम नाम लगे झंडे की जो गाड़ियां हैं तोड़ी गई थी, और उसके बाद फिर सोमवार की शाम को शोभा यात्रा के बीच दो समुदायों के बीच में जो पथराव हुआ था, उसके बाद बाकायदा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स, लोकल पुलिस, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस वक्त यहां पर तैनात की गई हैं, क्योंकि स्थिति इस वक्त मीरा रोड के नया नगर इलाके में काफ़ी तनावपूर्ण है और इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनियां हैं वो तैनात हैं। किसी भी प्रकार की कोई ढील यहां पर नहीं दिया जा रहा है कि फिर से कोई विवाद यहां पर पैदा हो। दरअसल जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया था, उसके बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा था कि हम जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी अवैध निर्माण होगा उनके निर्माणों को गिराया जाएगा, और इस पूरे मामले में जिन 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके अवैध निर्माणों के ऊपर, जो कि नया नगर का इलाका है और यहीं पर हैदर चौक है ये, और इसी हैदर चौक पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई आज दोपहर में महानगर पालिका के द्वारा की गई है। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की मिल रही है, वो आप जान लीजिए। यहाँ टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर एक बार फिर ईडी की टीम पहुंची है। ये अहम खबर, बड़ी छापेमारी ईडी की टीम अभी शाहजहां शेख के घर पर पहुंचकर कर रही है। अहम बात ये कि ताला तोड़कर ईडी की टीम को अंदर प्रवेश करना पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदेश खाली में ईडी पर हमले की घटना के 19 दिन आज बीत चुके हैं और एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है। हालांकि 19 दिन के बाद भी शाहजहां शेख का ही इसका अभी पता नहीं चला है। घर के अंदर जब ईडी की टीम पहुंची, कोई वहां पर नहीं था, ताला लगा हुआ था, उसी ताले को तोड़कर, तस्वीर आप देख लीजिए, ताला तोड़कर ईडी की टीम अंदर पहुंची है और आज पूरी तरह से सन्नाटा है, आज खामोशी है। पिछली बार ईडी की टीम जब पहुंची थी तो हमला कर दिया गया था, जख्मी हो गए थे ईडी के अधिकारी। वहां जो मीडिया की टीम पहुंची हुई थी उसके ऊपर भी हमला किया गया था। आज बड़ी संख्या में ईडी की टीम वहां पर फोर्सेस लेकर पहुंची हुई है, सिक्योरिटी टाइट है, आसपास कोई नहीं फटक रहा है और ईडी की टीम घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। न्यूज 18 इंडिया की आशिका मेरे साथ जुड़ रही है।